नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी की हमारी जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग एक, और उसका जो गद्यखंड है, गद्यखंड का पहला अध्याय नमक का दारोगा, जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। कल भाग एक के अंतर्गत हमने प्रेमचंद का जीवन परिचय और उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य में जो योगदान है गद्य में, तो उसका अध्ययन किया। और आज हम उनके द्वारा जो रचित रचना है नमक का दारोगा, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अब देखिए कि जब नमक का नया विभाग बना, पहले क्या था कि नमक जो है काफ़ी कह सकते हैं कि एक प्रकार से दूर की कोड़ी कह सकते हैं, यानी कि हर किसी के पहुंच के से बाहर था। बहुत ही कम लोग थे जिनके पास में नमक जो है, नमक जैसा विभाग है या नमक बनाने की जो कह सकते हैं परमिशन जो दी गई है, अनुमति जो है वो बहुत कम थी। तो उसी संदर्भ में इसमें बताया गया है कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के जो छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। घूस मतलब जो रिश्वत कह सकते हैं अपने इसमें। अधिकारियों के पोवारे थे। पोवारे मतलब कि उनको तो हर प्रकार से लाभ ही लाभ था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी मतलब इस विभाग में आना चाहते थे। कौन से? नमक विभाग। विभाग जो नया नया बना था उसके अंदर। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्रावल्य था। प्रावल्य मतलब फारसी भाषा की प्रधानता थी। प्रेम की कथाएँ और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीदार भी, जो लेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब देखिए जो मुंशी बंशीदार है ना, तो यह ही हमारे इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और सारी जो कहानी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो अब उनका वर्णन करते हुए लेखक इसमें कहते हैं कि मुंशी बंशीदार भी, जो लेखा की विरह कथा समाप्त करके, अब जुलेखा जो है एक लेखक हैं, उनकी जो विरह कथा है उसको समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब ये बेरोजगार हैं मुंशी बंशीदार जो हैं, तो रोजगार की खोज में निकले हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, क्योंकि गरीब घर से थे ये, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इनकी, बंशीधर की। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। अब देखिए लक्षणा सब शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया कि घास फूस की तरह बढ़ना, यानी कि बड़ी हो रही हैं, शादी की उम्र हो रही है इनकी। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब कब गिर पड़ूँ अर्थात कब मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। अब मुख्तार जो शब्द है ना, ये जो उर्दू का शब्द है कि अब तुम ही मालिक हो, इसके स्वामी हो और तुम ही इसके मुखिया। मुख्तार का मतलब मुखिया हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। अब पीर की मजार चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, तो चढ़ावा तो वहाँ होते ही है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से विडम्बनापूर्ण जो है इसमें व्यंग्य किया गया है कि नौकरी में ओहदे को मत देखना, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी पद हो सकता है, लेकिन जो चढ़ावा आ रहा है ना, जो रिश्वत के बारे में ये इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं, उसमें ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए हों। मासिक वेतन तो पुरुष मासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। अब देखिए एक पिता जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्र को ईमानदारी की नहीं दे रहा सीख, बल्कि बेईमानी की सीख दे रहे हैं कि किस प्रकार से आज के समय में भ्रष्टाचार जो है रिश्वत के द्वारा ही अपने जो खर्चे हैं ना उनको पूरा किया जा सकता है। तो आगे देखिए ऐसा ही लिखा हुआ है, कुछ बता रहे हैं इसमें।
वेतन मनुष्य देता है इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। अब देखिए वेतन जो मनुष्य द्वारा दिया जाता है वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी जो आमदनी है वो कौन देता है, वो ईश्वर देता है, ऐसा मानना है उनके बंसीधर के पिताजी का। इसी से उसकी बरकत होती है, तुम स्वयं बुद्धिमान विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ। अब देखिए सारी बात समझा दी है उनको, अपने पुत्र को बंसीधर को, फिर भी कह रहे हैं कि तुम तो विद्वान हो, अपने आप समझ जाओगे, मैं तुम्हें क्या समझाऊँ। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है कि सही क्या है गलत क्या है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। अब देखिए हर प्रकार से जो बंसीधर के पिता है ना, उनको तैयार कर रहे हैं कि तुम्हें अगर नौकरी मिल जाए तो अवसर को देखना, है ना, कि सामने वाले की आवश्यकता क्या है, अवसर क्या है, उसके उपरांत ही जो उचित है ना वही करना। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर लाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। अब देखिए मुंशी बंसीधर के पिता अपने कह रहे हैं कि मेरी जन्म भर की कमाई है जो मैंने सीखा है, अपना अनुभव किया है। तो इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। अब देखिए धैर्य ही इनका मित्र है, धीरज इनका मित्र है, बुद्धि जो इनकी पथ प्रदर्शक थी, बुद्धि इनको बता रही है क्या करना है क्या नहीं करना। आत्मावलंबन यानी कि अपने आप ही खुद का ये सहारा थे, वह ही इनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाई। अब इनके पिता जो ना वो मुंशी थे, मुनीम थे लगे हुए कहीं, तो जब उनको सुख संवाद मिला ना कि उनके पुत्र जो है नमक विभाग के अंदर दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, दरोगा पद उनको मिल गया, तो वो फूले नहीं समाए, आनंदित हो गए। अब फूले न समाना मुहावरे का प्रयोग इसमें किया गया, अत्यंत आनंदित हो जाना। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। कलवार मतलब जो एक नया कह सकते हैं सुख जो आनंद है, उसकी आशा जो है, आशा रूपी जो लता है वो लहलहाने लगी है। और महाजन जिससे ये उधार वगैरह लेते थे, जो इनको पूछता तक नहीं था, वह भी अब कुछ नरम पड़ गए। और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, अब पड़ोसियों को जलन होने लगी कि देखो एक गरीब घर से जाके और जो सबसे बड़ा विभाग है नमक विभाग, उसमें दरोगा पद इसको मिला है, तो अत्यंत जो है वो इन पे ईर्ष्या करने लगे, मान कह सकते अपने जलने लगे हैं। जाड़े के दिन थे। अब देखिए वो तो पहले में हमने पढ़ा है कि उनको नौकरी मिल गई है वहाँ पे, है ना, तो अब क्या हो रहा है आगे देखिए। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे। अब विभाग में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, जमुना यानी कि यमुना है नदी के लिए कहा गया, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अब मीठी नींद का मतलब है कि सुखपूर्ण जो नींद है उसमें सो रहे थे ये। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अब मल्लाह किसे कहते हैं, मल्लाह जो है नाव को चलाने वाला ना उसको मल्लाह कहते हैं, उनका कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गई गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। अब देखिए जब उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा अनुचित हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। अब तर्क करें एक अपने मन में, फिर उनको ऐसा लगा, आभास हुआ, और उसको पुष्ट करने के लिए ये वर्दी पहनते हैं अपनी, तमंचा यानी कि जो रिवॉल्वर वगैरह है, जो पिस्तौल है, उसको अपनी जेब में रखते हैं और घोड़े पर चढ़कर वे पुल पर आ पहुँचते हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। अब गाड़ियों की एक कतार पुल के पार जा रही है, डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं। अब वो डांट कर पूछने की ये गाड़ियां किसकी हैं,
उसका उत्तर मिलता है थोड़ी देर तक सन्नाटा रहता है। अब देखिए इसमें चित्र में भी बताया गया है कि किस प्रकार से जो नाव हैं, नावें नदी के बीच में खड़ी हुई हैं और उनके ऊपर से रास्ता बनाया गया है और गाड़ियाँ जा रही हैं उसके ऊपर से। तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, यानी कि चुप्पी छाई रही। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की हैं। तो कौन पंडित अलोपी दीन? अब ये मुंशी बंसीधर है ना, वो कह रहे हैं अकड़ के। तो जवाब मिलता है कि कौन है पंडित अलोपी दीन, प्रश्न पूछा गया। तो कहते हैं, उसका उत्तर मिलता है दातागंज के मुंशी बंसीधर चौक के। अब चौंक पड़े हैं, वो आश्चर्यचकित हो गए कि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जो जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे, इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। और हर कोई उनका ऋणी था, कर्जदार था, हर किसी ने उनसे कुछ ना कुछ रुपया वगैरह उधार ले रखा था, व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। अब बड़े चलते पुरजे आदमी थे, अब चलते पुरजे मतलब हर किसी से उनकी बनती थी, बड़े से बड़े अधिकारी और जो राजनेता कह सकते हैं उनसे भी उनकी उठ बैठ थी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। बारहों मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत का मतलब है कि सभी के लिए जो भंडारे कह सकते हैं अपने, भोजन जो है गरीब के लिए और चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? अब मुंशी कौन है? ये बंसीधर हैं। उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। अब वो फिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें है क्या, तो सन्नाटा छा गया, सभी चुप हो गए। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। अब उनको संदेह था क्या कि कहीं नमक तो नहीं लेके जा रहे, तो उनका संदेह और बढ़ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा अनुचित है जो सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। तो संदेह और बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। अब जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो ये खुद ही जो है घोड़े को एक गाड़ी के पास में ले जाके बोरे को टटोलते हैं, छू के देखते हैं उसको, और उनका जो भ्रम था ना, भ्रांति जो थी उनको कि इसमें क्या हो सकता है, तो वो दूर हो गया। तो ये नमक के ढेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अब देखिए, जब इनकी गाड़ियों को रोक लिया ना पंडित अलोपी दीन की, तो किसी सेवक द्वारा उनको सूचना दी गई पंडित अलोपी दीन को, तो वे फिर वहाँ पे जाते हैं और उनको पंडित अलोपी दीन को लेके आते हैं। और वे रात का समय था इसलिए अपने जब रथ पे आ रहे हैं सजे हुए रथ पे, तो कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए से चले आते हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अब जो गाड़ीवान थे, गाड़ीवान कहते हैं गाड़ी को चलाने वाले, वे घबराए हुए आए और उनको जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अब देखिए, लक्ष्मी जी जो हैं वो धन के लिए कहा गया है, तो पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था कि धन के द्वारा बड़े से बड़ा जो काम है वो भी हल किया जा सकता है, तो ऐसा उनको विश्वास था। अखंड कहते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा अखंडित विश्वास था उनको। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। और क्योंकि इनके पास में अधिक पैसा था ना, तो अपने पैसे के बल पर हर किसी को इन्होंने अपने वश में कर रखा था, अपने अधिकार में कर रखा था, तो इसलिए ये लक्ष्मी जी पर इनको अखंड विश्वास था। उनका यह कहना यथार्थ ही था। अब उनके द्वारा यह कहा गया वाक्य वास्तविक ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वश वह कैसे जैसे चाहती है नचाती है। अब देखिए, एक कटु जो है बात इसमें लक्षित की गई है इस एक साधारण सी पंक्ति के माध्यम से कि न्याय और जो नीति है, जो न्याय है चाहे नीति है यानी कि उचित व्यवहार है, सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। धन दे दिया तो न्याय भी आपके पक्ष में हो गया, जो व्यवहार है जो आचरण है वो भी आपके पक्ष में रहेगा। तो जैसे चाहे लक्ष्मी वैसे चाहती है, जैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़े लगाकर खाई। पान की बीड़े लगाकर मतलब पान बनाकर खाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। अब लिहाफ कहते हैं रजाई को, है ना, तो रजाई पर अपने ऊपर ओढ़ रखी है। और दारोगा जी के पास में आके बोलते हैं, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए,
अब पंडित जो है वो अलोपदीन ब्राह्मण थे, तो वो कहते हैं कि हमारे ब्राह्मणों के ऊपर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर उखाई से बोले, सरकारी हुक्म? पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? अब देखिए, क्योंकि इनको पंडित अलोपदीन को ना लक्ष्मी के ऊपर, धन के ऊपर बहुत घमंड था, अहंकार था, तो वो कहते हैं कि आपसे दूर थोड़े ही हम, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। अब घाट के देवता, अब मुंशी बंसीधर को कहा गया है कि कुछ ना कुछ भेंट देकर, कुछ ना कुछ उनको देकर, रुपया देकर, चढ़ावा चढ़ाकर ही वो आगे बढ़ेंगे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए, इसमें बंसीधर जो हैं वे हर प्रकार से अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प हैं, तटस्थ हैं, तो उनके ऊपर ऐश्वर्य की जो मोहिनी बंसी है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। देखिए कितना इसमें बंसीधर के द्वारा कहा गया है। हालांकि अगर इसकी जगह पे कोई और होता तो वह अलोपदीन के सामने झुक जाता, नतमस्तक हो जाता और उनकी कही बात को स्वीकार कर लेता, लेकिन बंसीधर ने ऐसा नहीं किया। वे कड़कर बोलते हैं, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, आप इस समय हिरासत में हैं। अब देखिए, एक इतना बड़ा जो आदमी है, जो हर किसी को अपने कर्ज में डुबोए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को वो हिरासत में लेने की सोच रहे हैं। आपके कायदे के अनुसार चालान होगा, कायदे के अनुसार मतलब जो कानून है, जो नियम है, उसके अनुसार चालान भी होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, जमादार बदलूसी हैं, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अब देखिए, जो इनके साथ में जो इनका कर्मचारी है, बदलूसी हैं, जमादार बदलूसी हैं, तो उनको ये हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं कि तुम इन्हें हिरासत में ले लो। किनको हिरासत में लेने की बात कर रहे हैं? पंडित अलोपदीन को। तो पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए, अब स्तंभित हो गए आश्चर्यचकित, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा इनको। हर कोई जो है इनके सामने जो है अपने ईमान को बेच देता था। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलूसी हैं आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह एहसास ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अब रोब किसका? पंडित अलोपदीन का। काफ़ी रुतबा था, रोब था, तो बदलूसी हैं आगे तो बढ़ा है, लेकिन उसका साहस नहीं हुआ कि वो हाथ पकड़ सके उनका। पंडित जी ने धर्म को, धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। अब पंडित जी कौन? इसमें अलोपदीन पंडित के लिए कहा गया कि धर्म को, धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत तो धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अब देखिए, हर प्रकार से वो पंडित अलोपदीन बात को मनवाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान हो जाएगा, हम आपसे दूर थोड़े ही हैं, जो भी आपको चाहिए वो ले लीजिए। लेकिन बंसीधर, जो मुंशी बंसीधर हैं, उनका क्या व्यवहार रहता है, देखिए आगे देख रहे हैं अपने इसमें, कि बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपदी ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अब सहारा कौन सा इसमें? धन के सहारे को चट्टान समझ रखा था कि इसके ऊपर बैठे हुए वो कभी भी हर किसी को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन अब वो चट्टान जो थी, जो सहारा इन्होंने ले रखा था, धन का सहारा, चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। अब इनके स्वाभिमान को भी और धन ऐश्वर्य जो था उसकी कड़ी चोट पहुँची है, क्योंकि इतना अधिक धनवान व्यक्ति जो है, अब वह एक अपराधी के समान खड़ा है उसके सामने, मुंशीधर जो बंसीधर है उनके सामने। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अब सांख्यिक मतलब संख्या, कि अधिक धन दिया जाएगा तो वो हो सकता है कि उनको क्षमा कर दे, उनके साथ में हो जाए। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। अब देखिए, अपने मुख्तार यानी कि जो उनका मुनीम था, उसको कहते हैं कि लाला जी आप 1000 के जो नोट है ना, बाबू साहब को भेंट कर दो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। भूखे सिंह मतलब खा ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है। बंसीधर ने
गरम होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब गरम होकर मतलब अत्यंत क्रोध से उन्होंने कहा बंसीधर ने कि आप 1,000 की बात क्या कर रहे हैं, अगर आप 1,00,000 भी देंगे ना मुझे तो भी मेरा जो सच्चाई का मार्ग है उससे हटा नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब देव दुर्लभ अगर किसी और के सामने ऐसे 1,000 रखे जाते तो वो सब कुछ अपना देने को तैयार हो जाता और अलोपीदीन से कहता कि आपको जैसे चाहिए वैसे उतनी गाड़ियाँ यहाँ से ले जाऊँ। लेकिन यहाँ पे विपरीत हो गया, धर्म किस बुद्धिहीन दृढ़ता। अब क्योंकि वो धर्म सच्चा धर्म कौन सा था, ईमानदारी का जो धर्म है बंसीधर ने अपना रखा था, तो उस धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता। अब बुद्धिहीन मतलब बुद्धि से प्रयोग नहीं लिया है। और देव दुर्लभ त्याग पर, अब देवता भी जो है इतना अधिक त्याग नहीं कर सकते जो कि बंसीधर ने किया है। उस समय तो बहुत ज़्यादा कीमत थी 1,000 रुपये की। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। अब दोनों शक्तियाँ कौन सी, एक तरफ तो धन है एक तरफ धर्म है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। अब उछल उछल कर मतलब कि संख्या बढ़ती गई, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुँची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अब देखिए धन जो है उछल उछल कर प्रहार कर रहा है, पहले 1,000 फिर 5,000, 5 से 10,000 है ना, 10 से 15,000, 15 से 20,000 तक नौबत आ गई है। लेकिन धर्म जो है वो इस बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला था और अटल खड़ा रहा, अविचलित खड़ा रहा। अब धर्म किसको कहा गया, इसमें बंसीधर को कहा गया, उसने अपने धर्म को नहीं हिलाया डिगाया बल्कि वो वैसे ही अविचल भाव से अटल खड़े रहे। अलोपीदी निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। अब देखिए बंसीधर ने अपने बंसीधर के सामने अलोपीदीन ने अपने हथियार डाल दिए, उसको जो धन का घमंड था ना वह चकनाचूर हो चुका है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदरू सिंह मन में दरोगा जी को गाली देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। अब देखिए बदरू सिंह, क्योंकि अगर पंडित बंसीधर अगर कुछ धन लेते ना तो उसमें से कुछ उसको ही मिल जाता, अब वो गालियाँ दे रहा है दरोगा जी को और पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ रहा है। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अब देखिए जब धन के ऊपर धर्म की विजय हो रही है तो पंडित अलोपीदीन को अपना साम्राज्य जो हिलता हुआ दिखाई दे रहा था तो 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं। जब बदलू है ना उनको पकड़ने के लिए आता है, गिरफ्तार करने के लिए, हथकड़ी डालने के लिए आता है तो 2-3 कदम पीछे हटते हैं और अत्यंत दीनता से बोलते हैं, बाहू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अब बंसीधर क्या उत्तर दे रहे हैं देखिए, असंभव बात है 30,000 पर, अब किसी तरह भी संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं। अब आपस में बातचीत हो रही है बंसीधर और अलोपीदीन के बीच में, तो बंसीधर कहते हैं कि 40,000 नहीं 40,00,000 भी असंभव है। बदरू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अब देखिए किस प्रकार से जो एक धनाढ्य व्यक्ति था, हर प्रकार से जो संपन्न था सुख सुविधाओं से, एक नमक की चोरी के आरोप में वो पकड़ा जाता है और जब वह हर प्रकार से अपने आप को ऐसा ही मान रहा है, उसके पैसे का जो घमंड है तो नहीं चलता, धर्म की विजय होती है। और एक हष्टपुष्ट व्यक्ति यानी कि जो बदलू सिंह हैं वो हथकड़ियाँ लिए हुए उसकी तरफ आते हैं तो अलोपीदीन को चारों ओर निराशा दिखाई देती है और दीनहीन दृष्टि से वो देखते हैं कि उसके जितने आदमियों के सामने जो है वह पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा विचार करते ही वह अचानक ही मूर्छित तो होकर गिर पड़ता है। ये था धर्म की जो विजय है धन के ऊपर, तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो ये हमने भाग 2 के अंतर्गत पढ़ा है। आगे भाग 3 में आगे स्थिति क्या होती है उसके बाद में, अब ये गिरफ्तार तो हो चुके हैं, पकड़ लिए गए हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद में क्या घटित होता है, क्या बंसीधर जो है अपने आप अपना जो इनके ऊपर अलोपीदीन के ऊपर लगाया गया जो आरोप है उसको सिद्ध कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्या अलोपीदीन जो है वो इस कारागार से यानी कि इनकी कैद से छूटेगा या नहीं छूटेगा,
और अगर वह छूटता है तो बंसीधर के साथ में उसका कैसा व्यवहार रहेगा और बंसीधर को क्या अपने इस ईमानदारी के कार्य के लिए क्या पदोन्नति मिलती है या कुछ और ही होता है, वो अपने पढ़ेंगे आगे के भाग में, जो कि भाग 3 है और उसका अध्ययन हम करेंगे बाद में। तो आज हमने अध्ययन किया है दूसरे भाग का और कल हम इसका अध्ययन करेंगे भाग 3। तो इसी के साथ ही आज इतना ही, और आगे के लिए आप भी अपनी जो पुस्तक वगैरह है उसको पढ़ें, जिससे कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आए और जो हर प्रकार का प्रश्न है इसका तो उसका आप उत्तर दे सकें। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।